बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 3.3। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछले लेक्चर में कवर किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक फंक्शन गिवन है डी एक्स ओवर, यानी कि 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 13। इसको हमें इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए डी एक्स साथ में लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि हमने इसको इंटीग्रेट करना है। अब पहले हम सबसे पहले क्या देखते हैं इंटीग्रेशन करते हुए? इंटीग्रेशन करते हुए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या कोई थ्योरम इस पर अप्लाई हो सकता है, जो थ्योरम्स हमने पढ़े हैं इस चैप्टर के शुरू में। तो चलें हम चेक करते हैं। चलें, अगर इसको हम फंक्शन कंसिडर करें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, यानी कि डिनोमिनेटर को हम अगर एफ ऑफ एक्स कंसिडर करें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, तो क्या इसका न्यूमरेटर में कोई डिनोमिनेटर यानी कि डेरिवेटिव मौजूद है? तो डेरिवेटिव हम पहले चेक कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव है क्या, आता क्या है? 2x प्लस 4 इसका डेरिवेटिव है। तो न्यूमरेटर में तो कुछ भी मौजूद नहीं है, 1 मौजूद है। तो चलें, मौजूद तो नहीं है डेरिवेटिव, क्या हम बना सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम बना सकते हैं? तो इसमें देखें 2x प्लस 4 आ रहा है, तो x एक वेरिएबल है, वेरिएबल से हम मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ से हम बना भी नहीं सकते न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव, मतलब कि डायरेक्टली अभी अभी तक कोई जो है इसका थ्योरम हम नहीं बना सके, या थ्योरम नहीं अप्लाई हो सक रहा यहाँ पर, और कोई फार्मूला भी नहीं अप्लाई हो सक रहा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको फिर पहले सॉल्व करना पड़ेगा। चलें, उससे पहले सॉल्व करने से पहले क्या हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करें तो क्या ये सॉल्व हो जाएगा? ठीक है, क्योंकि हम पहले यूज़ सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं। तो यूज़ सब्स्टिट्यूशन चेक करते हैं। सपोज़ हम इसको यूज़ सपोज करते हैं, तो यू इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बल्कि 13 है, तो ये 13 हमने पुट कर दिया। उसके अलावा अब इसमें हम डिफरेंशियल फाइंड करते हैं, डी यू इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2x प्लस 4x का आ जाएगा 4। ठीक है, और साथ में dx आ जाएगा, dx। ठीक है, तो ये इसका आ गया डिफरेंशियल। तो अब हम पुट करके इसको देख लेते हैं, dx इज इक्वल टू फिर क्या बनेगा, डी यू डिवाइडेड बाई 2x प्लस 4 इज इक्वल डी एक्स, मतलब कि हम dx की जगह पुट करेंगे 2x प्लस 4 डी यू डिवाइडेड बाई 2x प्लस 4। ठीक है, तो ये बनेगा डी यू डिवाइडेड बाई 2x प्लस 4, और उसके साथ हमने इसको u के इक्वल पुट किया था, तो यहाँ पर ये u आ जाएगा। तो क्या ये सॉल्व हो सकता है? कोई अब फार्मूला बना या कोई अब थ्योरम बना? नहीं, मतलब यू सब्स्टिट्यूशन भी अब काम नहीं कर रही इस पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पहले इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा किसी तरह से। ठीक है, सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके फिर हम इस पर देखेंगे कि क्या इस पर ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये कौन सी एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ट्रिग्नोमेट्रिक वो क्वाड्रेटिक नहीं है? ठीक है, क्वाड्रेटिक यही होती ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसे कह सकते हैं आप। ठीक है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं, डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर बन जाएगा प्लस, इसको अगर हम लिखें 2 इंटू ए क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स हमने पुट किया है। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स, और बाकी क्या बच गया, 4x बनाने के लिए 2x अभी बना ना, 4x बनाने के लिए 2 बच गया। ठीक है, तो यानी कि b इसमें 2 हो जाएगा। तो हम खुद से अपनी तरफ से 2 इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर ऐड हम करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर हम इसमें माइनस b करेंगे, और प्लस 13 ऑलरेडी मौजूद है। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको नहीं क्लियर तो आप पहले इसको जो है समझें, उसके बाद इसको आप समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करूँ? अब ये क्या बन गया, देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब ए इसमें क्या है एक्स है और बी क्या है इसमें टू है, तो इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं, यानी कि एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। उसके अलावा माइनस फोर प्लस थर्टीन, माइनस फोर प्लस थर्टीन, थर्टीन माइनस फोर क्या होता है नाइन हो जाएगा, तो इसकी जगह हम नाइन लिख देते हैं और प्लस नाइन आ जाएगा, प्लस नाइन। और इसको इंटीग्रेट करें हम डी एक्स से, यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट से। अब हमने क्या करना है कि अब हम ऐसा करते हैं कि ये भी स्क्वेयर की फॉर्म है तो दूसरा डिजिट भी हम स्क्वेयर की फॉर्म में लिख लेते हैं। चलें डी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू का होल स्क्वेयर प्लस थ्री का होल स्क्वेयर और इसका इंटीग्रल, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, देखें अब कोई फॉर्म बनी है, मतलब इसको हमने सिंप्लीफाई तो कर लिया, सॉल्व कर लिया ट्रिग्नोमेट्रिक से या कंप्लीटिंग स्क्वेयर से हमने इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। तो क्या अब कोई इस पर थ्योरम या फार्मूला अप्लाई हो सकता है? देखें अगर हमने देखा था कि सब्सटीट्यूशन हमने एक देखी थी, मैं यहाँ लिखता हूँ कि अगर आपके पास है ए स्क्वेयर प्लस, अब बल्कि इसमें था वन ओवर, या फिर हम इस तरह से लिख देते हैं ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, ऐसा हो या फिर क्या हो वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वेयर, ये तो आपने देखा ही होगा। ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये कहाँ से डिराइव होता है? ये डेरिवेटिव होता है ऑफ, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये होता है, ठीक है। मतलब उसी तरह की फॉर्म नहीं बन रही अगर इसको, यानी कि अगर मैं लिखूं जी के ये ए है, ठीक है, वन ओवर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, तो ये उसी तरह की फॉर्म नहीं बन रही। अगर आप ए की वैल्यू थ्री कंसिडर कर लें और एक्स की जगह आप एक्स प्लस टू को कंसिडर कर लें तो ये वही बन जाए वन ओवर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो ये टेन इनवर्स की फॉर्म बनती है कोई, और उसके साथ टेन इनवर्स ऑफ क्या होगा वो हम देखेंगे सब्सटीट्यूशन के बाद। मतलब कि हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर सब्सटीट्यूशन यूज़ करते हैं इसकी जगह, वहाँ पर तो हम करते हैं ना एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, हम सब्सटीट्यूशन यूज़ करते हैं जब आपने टॉपिक पढ़ा था सब्सटीट्यूशन का, लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर एक्स प्लस टू है, तो एक्स प्लस टू की जगह हम सब्सटीट्यूट करेंगे, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ए टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है। अब हम इसको जो है डिफरेंशियल भी फाइंड कर लेते हैं दोनों साइड्स पे, डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इसका डी एक्स हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट है जीरो हो जाएगा और ये बनेगा ए सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा। अब ये हम सब्स्टिट्यूट भी कर देते हैं, ये बन जाएगा डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा ए सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, अच्छा उसके अलावा बल्कि यहाँ पर ए नहीं आएगा, हमने ए टेंजेंट थीटा नहीं पुट करना, ए हमें पता है यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर ए की जगह थ्री है तो यहाँ पर हम थ्री पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं थ्री पुट कर देता हूँ, थ्री टेंजेंट थीटा, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंशियल है वो भी ये बनेगा थ्री सीकेंट स्क्वेयर थीटा डी थीटा। तो अब हम यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक्स प्लस टू की जगह हमने क्या रखा हुआ है थ्री टेंजेंट थीटा, तो ये बन जाएगा नाइन टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, मैंने स्क्वेयर ले लिया ना, उसका स्क्वेयर लेना था हमने, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये भी लिखता थ्री टेंजेंट थीटा का स्क्वेयर तो उसके बाद मैं स्क्वेयर फाइंड करता तो यही बनता नाइन टेंजेंट स्क्वेयर थीटा, उसके बाद क्या प्लस और थ्री स्क्वेयर, थ्री स्क्वेयर भी नाइन, अब मैं उसको भी डायरेक्ट नाइन ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास ये फंक्शन बन चुका है, ए ए की जगह हमने क्या लिखना था थ्री, यहाँ पर ये थ्री है तो थ्री सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा हमारे पास आ चुका है डिवाइड बाई नाइन टेन स्क्वेयर थीटा प्लस नाइन। अब हमने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करें, न्यूमरेटर तो इसी तरह से रहेगा थ्री सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, इसमें से नाइन कॉमन आ रहा है, नाइन इंटू टेन स्क्वेयर थीटा प्लस वन, ठीक है, और इसका इंटीग्रल साइन भी साथ में लिख देते हैं। अब यहाँ से आप देखें कि नाइन हमने जो नीचे से कॉमन लिया है ये इसके साथ कॉन्स्टेंट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, थ्री वन ज़ा थ्री और थ्री थ्री ज़ा नाइन। उसके अलावा आप ये देखें कि टेन स्क्वेयर थीटा प्लस वन, अगर आइडेंटिटी आपको याद हो तो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू
सीकेंट स्क्वायर थीटा, या फिर आप इसको, क्योंकि बीच में प्लस का था ना, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन है, तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा को। तो न्यूमरेटर में सीकेंट स्क्वायर थीटा ऑलरेडी मौजूद है, वो हम लिखते हैं डिवाइडेड बाय थ्री, कैंसिल आउट होने, नाइन कैंसिल आउट होने के बाद थ्री बच गया। उसके अलावा टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू है सीकेंट स्क्वायर थीटा, और हमने इसका इंटीग्रल भी लेना है विद रेस्पेक्ट टू डी थीटा। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बाकी जो बचेगा वन ओवर थ्री बचेगा, ठीक है, तो साथ में डी थीटा। वन ओवर थ्री आपको पता है कि कॉन्स्टेंट है, ये बाहर ले जाते हैं वन ओवर थ्री और अंदर बच गया वन डी थीटा आप कह रहे हैं इसको, ठीक है। तो वन का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू थीटा थीटा ही होता है, ठीक है। तो वन ओवर थ्री थीटा हमारे पास रिजल्ट आ गया, लेकिन हमने थीटा में आंसर नहीं देना, हमने हमारे पास जो था एक्सप्रेशन एक्स में था, तो इसका हमने आंसर भी हमने एक्स में ही देना है, यानी कि एक्स के फंक्शन में ही देना है। तो हमने जो सब्सटीट्यूशन की है वहीं से हमारे पास एक्स आएगा, तो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ये है, तो हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास थीटा क्या बनेगा, एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय थ्री, इस साइड पर ले जाएं तो डिवाइड हो गया, और उसके अलावा टेन थीटा इज इक्वल टू ये बन गया, ठीक है। उसके अलावा थीटा फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय टू बन जाएगा, बल्कि डिवाइडेड बाय थ्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं थीटा की वैल्यू, थीटा किसके इक्वल आ गया, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय थ्री के इक्वल, प्लस सी भी लिख देते हैं क्योंकि हम इंटीग्रेट कर चुके हैं और इनडेफिनेट इंटीग्रल है। अच्छा, ये इसका रिजल्ट आ चुका है जी। तो अगर आपको, यानी कि ये प्रोसीजर आपने जो है सब्सटीट्यूशन से सॉल्व किया, अगर ये आपको नहीं समझ आता, तो आप सिंपली ये याद रख लें कि वन ओवर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ये तो टेन इनवर्स होता है ना, वन ओवर ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए का फार्मूला होता है, डेरिवेटिव का फार्मूला होता है, यानी कि ये डिराइव कहाँ से हुआ, वन ओवर ए टेन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए से इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो वन ओवर ए, ए इस केस में थ्री है और एक्स इस केस में एक्स एक्स प्लस टू है, इसलिए एक्स की जगह एक्स प्लस टू आ गया, और ए आपको पता है थ्री है, तो एक्स प्लस टू डिवाइड बाई थ्री, और यहाँ पे वन ओवर थ्री आ गया, वन ओवर थ्री टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टू डिवाइड बाई थ्री, डायरेक्टली भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आप में सब्सटीट्यूशन यूज़ नहीं करनी तो, अदरवाइज आपको सब्सटीट्यूशन का भी पता होना चाहिए कि ये कैसे डिराइव हुआ है, ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हुआ, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय फोर प्लस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू डी एक्स। अच्छा, अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले तो आप ये देखें कि न्यूमरेटर में एक्स स्क्वेयर है, एक्स की पावर टू है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वेयर है, एक्स की पावर टू है, यानी कि मैक्सिमम पावर ऊपर क्या है, टू है एक्स की, और डिनोमिनेटर में भी एक्स की पावर टू है, ये इम्प्रॉपर फंक्शन है, ठीक है। इसको सबसे पहले हमने प्रॉपर बनाना, कैसे बनाना है कि हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, न्यूमरेटर में हम पावर को कम करेंगे। चलें अब हम ऐसा करते हैं कि इसको पहले डिवाइड करते हैं, तो एक्स स्क्वेयर अंदर और फोर प्लस एक्स स्क्वेयर जो है डिवाइजर है, एक्स स्क्वायर डिविडेंड और ये डिवाइजर, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा क्योंकि छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा ही होगा, वन से मैं करूँगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस फोर हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं माइनस फोर, बल्कि नहीं, जो हमारे पास कोशेंट आया है वन, उसके बाद माइनस जो, यानी कि वन प्लस डिवाइजर होता है, रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, ठीक है, तो रिमाइंडर माइनस में है, तो माइनस फोर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, फोर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए मैं यहाँ पर जनरल फॉर्म लिख भी देता हूँ कि यहाँ पर हम लिखते हैं कोशेंट, कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, ठीक है, तो ये हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है, वन माइनस फोर ओवर फोर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखें न्यूमरेटर में हमारे पास जो है एक्स है ही नहीं है, यानी कि पावर कम है, ठीक है,
पावर कम होनी चाहिए या फिर एप्स होनी चाहिए, तो ये अब प्रॉब्लम कन्वर्ट हो चुके। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसको इंटीग्रेट हमने करना है, ठीक है। यानी कि हम सिंपली आप ये कहें कि हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व किया उसके बाद हम इसको इंटीग्रल में लिख रहे हैं, तो इसको हमने इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ से देखें दो फंक्शन है, एक वन है, एक फोर ओवर फोर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। दो फंक्शन जब आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसका हमने इंटीग्रल फाइंड करना हो तो हमने क्या कहा था, किसके इक्वल होता है, उन दोनों को अलहदा अलहदा इंटीग्रेट कर लेते हैं और दरम्यान में जो साइन होता है प्लस हो या माइनस हो वही साइन बरकरार रहता है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं वन का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस इस फंक्शन का फोर ओवर फोर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब वन का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, एक्स ही होता है, ठीक है, माइनस साइन आ गया, उसके बाद फोर ओवर फोर प्लस एक्स स्क्वायर। अब फोर जो है न्यूमरेटर में कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले आते हैं और बाकी बचेगा वन ओवर फोर प्लस एक्स स्क्वायर। फोर एक्स स्क्वेयर की फॉर्म में है तो इसको फोर का भी हम स्क्वेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि टू का स्क्वेयर प्लस एक्स का स्क्वेयर डी एक्स। अब इसको दोबारा से आप सब्स्टिट्यूट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, क्योंकि वन ओवर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर आपको बताया कि टेन इनवर्स का होता है, टेन इनवर्स इसकी इंटीग्रेशन होती है, या टेन इनवर्स से ये डेरिवेट होया होता है, ठीक है, या डिराइव होया होता है, इस वजह से इसकी इंटीग्रेशन टेन इनवर्स में होती है। लेकिन उसकी क्या फॉर्म बनेगी, वन ओवर ए मैंने लिखा था ना, वन ओवर ए पिछला क्वेश्चन ही मैंने किया है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए, ठीक है। तो अब ए इस केस में क्या है, ए टू है और एक्स एक्स ही है, ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं वन ओवर टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर टू प्लस सी, ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। तो इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, ये इसके साथ डिवाइड भी कैंसिल आउट हो जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स माइनस टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स बाय टू प्लस सी। अच्छा, एक चीज़ नोट करने वाली यहाँ पर ये थी कि हमने दो का अलहदा अलहदा से फाइंड किया, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसमें कांस्टेंट यानी कि सी जो है वो मैंने अलहदा अलहदा क्यों नहीं लगाया, इसको भी इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रल जो है एक्स प्लस सी वन आया, ठीक है, और इसका इंटीग्रल जो हमने फाइंड किया वो किसके इक्वल आया, इसके साथ मैं एक्स प्लस सी वन लिखता हूँ, एक्स है प्लस सी वन, उसके बाद इसको हमने इंटीग्रल फाइंड किया एक्स, ये इसका इंटीग्रल प्लस सी टू, ठीक है। तो इसको दोनों कॉन्स्टेंट्स को ऐड करें तो हम कहते हैं कि इक्वल आ चुका है ये सी के, यानी कि सी वन प्लस सी टू इज इक्वल टू सी आ चुका। अदरवाइज इसको वैसे देखा नहीं जाता, इतनी गलती कंसिडर नहीं की जाती, लेकिन मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा इसमें यानी कि कोई स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़ हो रहा हो कि इसका इंटीग्रल हमने फाइंड किया तो इसमें हमने सी क्यों नहीं लिखा, बाकी सब में तो लिखते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इसका मैंने सी वन कह दिया कि पहले फंक्शन का जब हमने इंटीग्रल फाइंड किया तो उसके साथ हमने सी वन कॉन्स्टेंट लगाया, और दूसरे फंक्शन का जब हमने इंटीग्रल फाइंड किया तो उसके साथ मैंने सी टू लगाया, उसके बाद कंबाइन करके लिखा तो सी वन और सी टू दोनों आपस में ऐड हो रहे थे, इसको मैंने सी के इक्वल लिख दिया, तो ये बन गया हमारे पास टोटल इंटीग्रल का रिजल्ट, ठीक है। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर बहुत ही आसान है, वन ओवर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, इसका इंटीग्रल हमने फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें हम ऐसे करते हैं सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं, सब्स्टिट्यूशन हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सी चीज़ आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लग रही है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ये फंक्शन कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर लें इज इक्वल टू यू या फिर टी। चलिए हमने पहले यू जो है सब्स्टिट्यूट किया था, अब हम ऐसा करते हैं कि टी को सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। उसके बाद हम क्या करते हैं कि डिफरेंशियल भी ले लेते हैं ताकि डी टी और डी एक्स से हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएं कि डी एक्स की जगह हमने क्या रिप्लेस करना है, ठीक है। तो डी टी इज इक्वल टू वन ओवर एक्स डी एक्स, ये आ चुका, ठीक है। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, इसको अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे लिखूं कि वन ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू वन ओवर एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, वन ओवर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स डी एक्स, वही चीज़ बन गई। तो
मतलब कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, उसका क्या है इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ से देखें, हमने नेचर लॉग ऑफ एक्स को टी से जो है सब्सटीट्यूट करना, रिप्लेस करना है, तो ये बन जाएगा वन ओवर टी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखें कि वन ओवर एक्स डी एक्स वो किसके इक्वल है, वन ओवर एक्स डी एक्स इक्वल है डी टी के, ठीक है, डिफरेंशियल लेके हमें पता चला था, तो यहाँ पर इसको हम डी टी लिख सकते हैं और साथ में ये इंटीग्रल साइन। अब यहाँ से क्या बन चुका है, वन ओवर टी का हमने इंटीग्रल फाइंड करना है डी टी का। अगर आप देखें कि टी अगर फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टी अगर आप टी का डेरिवेटिव ले माना आता है तो ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, मतलब कि नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव, एफ प्राइम ऑफ एक्स न्यूमरेटर में और नीचे एफ ऑफ एक्स फंक्शन, ठीक है, उसको आप इंटीग्रेट करें तो किसके इक्वल आता है, नेचर लॉग ऑफ फंक्शन, नेचर लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इस केस में क्या बनेगा, फंक्शन टी है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी है, और एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या बनेगा, यानी कि टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी वन आएगा, ठीक है, तो वन ओवर टी की फॉर्म मौजूद है, तो हम इसको लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, और फंक्शन क्या है टी, नेचुरल लॉग ऑफ टी प्लस सी। अब टी को हमने दोबारा से रिप्लेस करना है, ठीक है, एक्स की फॉर्म में हमने रिजल्ट देना है, तो टी किसके इक्वल है, टी इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के, तो हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ टी की जगह क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, नेक्स्ट टू क्वेश्चन जो हैं आसान है तकरीबन, ठीक है, वो आप खुद से ट्राई करेंगे, तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब यहाँ पर इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं क्योंकि टाइम भी पूरा हो चुका है, तो बाकी जो है क्वेश्चन नंबर 7 तक आपने कवर कर लेने, अगर उसमें कोई मसला आता है किसी क्वेश्चन में तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा और मैं उसको जो है वो भी आपको समझा दूंगा किस तरह से करना है, ठीक है, यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं।